आज हम लोग बात करने वाले हैं मिसल मैथमेटिक्स की जो क्लास 9 की आपकी वर्कशीट आ रही है 3/8/2023 की, इसके बारे में। और इसमें आज बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो टू वेरिएबल्स होते हैं उसके सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं। पहली चीज़ आपको पता है जो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होती है वो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में लिखी जाती है। जोगफल सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन एक प्लेन में होते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, अगर हम क्या है अलजेब्रिक सॉल्यूशन की बात करें तो बहुत सारे सॉल्यूशंस इसमें होते हैं ना। अब देखो, इस बात को बहुत ही इजीली तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कैसे। द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, इनका ग्राफ बनता है। इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद चलिए इस एक बात को समझते हैं कि x प्लस वाई बराबर मान लो अगर 5 है और यहाँ पे आपने x की वैल्यू अगर 0 ले ली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। भाई x की वैल्यू 0 लोगे तो इस इक्वेशन के अंदर x प्लस वाई बराबर 5 में पुट करो, y बराबर कितनी आ जाएगी 5। तो यहाँ से 0, 5 एक पहला जो है हमें क्वाड्रेंट मिल जाएगा, पहला सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल, मान लो अगर x बराबर आपने 2 ले लिया तो y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, y बराबर यहाँ से 3 आ जाएगा। तो 2, 3 भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, तीन सॉल्यूशन एट लीस्ट 3 सॉल्यूशन आपको यहाँ पर निकालने होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो x बराबर 6 ले लिया तो y बराबर यहाँ से हमारा माइनस का 1 आ गया है, तो 6, -1 एक और सॉल्यूशन हो गया। अब इन सारे पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ग्राफ पर दिखा देते हैं। जैसे 0, 5 देखो y यानी x हमारा 0 है, y हमारा 5 है, यहाँ पर आ गया है ना, ये हो गया सी पॉइंट। इसी तरीके से 5, 0 में यहाँ आ गया और 2, 3 में यहाँ आ गया, और तीनों पॉइंट से जो है एक लाइन खींच दिया और इनको आपस में मिला दिया, तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे सॉल्यूशन हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, इसके सॉल्यूशन हो जाते हैं। नीचे हमसे कहा गया है कि वेदर चेक x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। हमसे कहा गया है x बराबर 2 y बराबर -2 को आपको चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो चलो भाई चेक करते हैं, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है और आपको बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा आनंद आएगा इसको करने में। तो देखो भैया, आपको यहाँ पर क्या कहा गया है, 3x माइनस 2y बराबर 10, 3 × 2 − 2 × − 2 है ना बराबर 10 हो जाएगा, 6 − −+4 हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो 10 = 10 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, जब भैया 10 = 10 आ रहा है इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। तो अगर आपको देखिए वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।